हेलो फ्रेंड्स, तो आज के कुकिंग व्लॉग में मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी एंड टेस्टी पॉमफ्रेट फिश फ्राई। ये रेसिपी बहुत बढ़िया बनती है, तो फिर चलिए आज के कुकिंग व्लॉग को शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ मृणालिनी और मैं आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फिर चलिए बिना देरी किए आज के कुकिंग ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज़ के पॉमफ्रेट फिश लिए हैं। ये बहुत ताज़े फिश है और इसे मैंने अच्छे से धो भी लिया है। आप देख सकते हो इसका पेट अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हो इस मछली का साइज़ कितना अच्छा है, बहुत बड़ा है। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमें लहसुन, अदरक, हरा धनिया और उसी के साथ यहाँ पर मैंने छोटा प्याज लिया है, इसका एक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, अदरक, लहसुन, प्याज और हरे धनिए का पेस्ट तैयार है। अब सबसे पहले इन पॉमफ्रेट पर मैं ऐसे कट्स लगा लूँगी ताकि हम जो मैरिनेशन करेंगे वो इसके अंदर तक चला जाएगा, सारे नमक मसाले सब कुछ इसे अच्छे से लग जाएगा। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से इसे चार चार कट्स लगा लिए हैं। अब मैं दूसरी मछली को भी ऐसे ही कट्स लगा लूँगी। पॉमफ्रेट फिश बहुत सारे लोगों की फेवरेट फिश होती है, खासकर उसका फ्राई बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले लगाऊंगी आधे नींबू का रस। नींबू का रस ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि इससे फिश बहुत चटपटी बनती है। मैंने दोनों साइड से नींबू का रस इस पर लगा लिया है। उसके बाद इस पर मैं डालूंगी नमक। मैं इस पर थोड़ा थोड़ा ही नमक डालूंगी दोनों साइड से ताकि नमक एकदम परफेक्ट हो जाए। नमक डालने के बाद मैं इस पर डालूंगी आधा चम्मच हल्दी, उसी के साथ लाल मिर्च पाउडर। ये अपने तीखेपन के अनुसार हमें ऐड करना है। मैंने इसे एक से डेढ़ चम्मच डाला। उसके बाद मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर डाला और हमने ये जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया है उसे भी अब मैं फिश पर डाल लूँगी। और इस सब को अब हमें मछली पर अच्छे से मसल मसल के लगा लेना है। सारे पाउडर मसाले, नमक और उसी के साथ अदरक लहसुन हरे धनिए का पेस्ट, उसे हम अच्छे से इस मछली पर लगा लेंगे। इन पर हमने जो कट्स लगाए हैं उनमें भी मैं इस मसाले को भर दूंगी और साथ ही साथ मछली के अंदर भी मैं ये मसाले डाल लूंगी। देखिए इस तरह से, ताकि अंदर भी मसाला नमक सब कुछ अच्छे से लग जाए। इसी मसाले की वजह से हमारा पॉमफ्रेट फिश फ्राई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये मसाले मैंने अच्छे से लगा लिए हैं। इसके अंदर जो कट्स है उसमें भी मैंने इसे भर दिया है। हमारी मछली मैरिनेट होने के लिए रेडी है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखने वाली हूँ। ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है और हमारी फिश फ्राई होने के लिए रेडी है। अब इस प्लेट में मैंने 5-6 चम्मच सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है। और उसी के साथ एक चम्मच में यहाँ पर लूँगी राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। चावल के आटे की वजह से हमारी फिश बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी पाव चम्मच के करीब और ये है स्वादानुसार नमक। थोड़ा सा नमक ही मैंने डाला है ताकि हम ये जो कोटिंग लगा रहे हैं ऊपर से वो फीकी ना लगे, इसलिए मैंने इसमें मसाले और नमक भी डाला है और उसे कलर भी बहुत अच्छा आता है फिश फ्राई को। अब देखिए, ये मैरिनेटेड मछली मैं इसमें रख दूंगी और ऊपर से और नीचे से ये जो सूजी का कोटिंग है ये हम इस पर अच्छे से लगा लेंगे। फिश को मैरिनेट करने की वजह से सूजी फिश पर अच्छे से चिपक जाती है और ये जो कोटिंग है वो बिल्कुल नहीं निकलता और फिश बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो ये देखिए, फिश फ्राई होने के लिए तैयार है। गैस पर मैंने फ्राइंग पैन में तेल गरम होने के लिए रखा है। देखिए, तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें हमारी पॉमफ्रेट डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है
और अब 2 मिनट मैं इसे एक साइड से फ्राई करूंगी और 2 मिनट बाद मैं इसे पलट दूंगी। फिश बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे 2 चम्मच की मदद से पलट लेती हूँ। देखिए धीरे से मैंने इसे पलट लिया है। आप देख सकते हो सूजी का जो कोटिंग है वो बिल्कुल नहीं निकला है। अब इस साइड से मैं इसे 2 मिनट फ्राई करूंगी, गैस की फ्लेम मीडियम ही है। फिर से 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे एक बार और पलट लेती हूँ। मछली फ्राई होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, 4 से 5 मिनट में मछली अच्छे से फ्राई हो जाती है। आप देख सकते हो हमारी मछली अभी फ्राई होकर तैयार है। फिर भी मैं इसे और 1-1 मिनट फ्राई करूँगी ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से आप कोई भी फिश फ्राई करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी ही बनेगी। तो ये देखिए हमारी फिश वैसे तो लगभग रेडी है फ्राई होके, लेकिन मैं इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे एक और बार पलटूंगी। ये देखिए अब आपको पता चल रहा होगा कि ये फिश कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन चुकी है। अब मैं इसे बस 1 मिनट कढ़ाई में रखूंगी और उसके बाद मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखिए हमारी क्रिस्पी पॉम्फ्रेट फिश फ्राई रेडी है। इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं दूसरी पॉम्फ्रेट को तेल में ऐड करूंगी और इसे भी उसी तरह से फ्राई करूंगी। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ फिश अंदर तक कैसे फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये एकदम सॉफ्ट फ्राई हो चुकी है, एकदम मक्खन की तरह। और इसका टेस्ट एकदम ऑसम था फ्रेंड्स। ये रेसिपी ज़रूर 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 ट्राई करना, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ये जो ऊपर का कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है चावल की आटे की वजह से। ये देखिए मैंने दोनों फिश को अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये दूसरी फिश है। तो ये कुकिंग ब्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये फ़िश फ्राई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, अपने फीडबैक ज़रूर देना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फिर चलिए फिर मिलेंगे अगले कुकिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। टिल देन बाय बाय।